हाय दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया की सर्विस चार्जेस 1 अप्रैल 2024 से चेंज होने जा रही है, रिवाइज होने जा रही है। कुछ चार्जेस को बढ़ाया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आप चेकबुक सेविंग अकाउंट में लेना चाहते हैं तो 25 चेक लूप एक फिनांसियल ईयर में फ्री है। उसके बाद आपको पर चेक लीप के लिए ₹5 खर्च करने पड़ेंगे। वही अगर आप करेंट अकाउंट में लेते हैं तो 50 चेक लीप एक फिनांसियल ईयर में फ्री है। उसके बाद आपको ₹5 पर चेकबुक आपको खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए, फर्स्ट टाइम आप पासबुक लेते हैं तो फ्री है। उसके बाद अगर डुप्लीकेट पासबुक लेते हो तो आपको ₹100 प्लस GST खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, अगर आप कैश हैंडलिंग चार्ज पैसा जमा करना जा रहे हैं तो सेविंग अकाउंट में, अगर नॉर्मल अकाउंट है जीरो बैलेंस की तो कोई चार्जेस नहीं है, पर अगर नॉर्मल अकाउंट है तो आप एक मंथ में 5 बारी पैसा जमा कर सकते हैं, और 5 बार से ज़्यादा आप एक मंथ में जमा करने जा रहे हैं तो आपको ₹50 प्लस GST चार्जेस लगेंगे। वही अगर आप करेंट अकाउंट हैं तो आप एक दिन में ₹1 लाख आप फ्री जमा कर सकते हैं, पर अगर 1 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आप एक दिन में जमा कर रहे हैं तो आपको ₹1 पर 1000 और मिनिमम ₹100 और मैक्सिमम ₹10,000 प्लस GST आपको चार्जेस इसमें लगेंगे। वही अगर हम देखेंगे कैश हैंडलिंग चार्जेस पैसा निकालने की, तो सेविंग अकाउंट में देखेंगे आप एक मंथ में 5 कैश विड्रॉल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब 5 के बाद अगर आप छट्टा करने जा रहे हैं तो आपको ₹75 प्लस GST चार्जेस लगेंगे। वही अगर आप करेंट अकाउंट में करने जा रहे हैं तो 5 कैश विड्रॉल एक मंथ में फ्री है, उसके ऊपर आप करने जा रहे हैं तो ₹150 प्लस GST आपको चार्ज लगेगी। पर अगर आप ये विड्रॉल ATM से कर रहे हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगी, या मोबाइल बैंकिंग से कर रहे हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगेगी, ये चार्जेस सिर्फ आपको कैश विड्रॉल में लगेगी। देखिए, अगर आप गोल्ड डायमंड और प्लैटिनम करेंट अकाउंट होल्डर हैं तो आपको ये सब चार्जेस हुए हुए आप एक मंथ में अनलिमिटेड कैश विड्रॉल कर सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया से। तो ये थी कैश विड्रॉल पर जो चार्जेस लगने जा रही है, 5 फ्री है सेविंग में एक मंथ में। उसके बाद देखेंगे, अगर आप RTGS करने जा रहे हैं बैंक से या इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल से, तो उसमें क्या चार्जेस है। देखिए, 2 लाख तक कोई चार्जेस नहीं है अगर आप ब्रांच से कर रहे हैं। 2 लाख से 5 लाख के बीच में ₹25 चार्जेस है, अबव 5 लाख में ₹49 चार्जेस है। पर यही RTGS अगर आप सेविंग अकाउंट होल्डर हैं और CC अकाउंट होल्डर हैं, आप इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग से कर रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हम नेफ्ट देखेंगे, आप ब्रांच से कर रहे हैं 10,000 तक तो आपको ₹2 लगेंगी। वही 10,000 से 1 लाख तक में ₹4.5, 1 लाख से 2 लाख के बीच में ₹14, और 2 लाख से ऊपर आप NEFT कर रहे हैं तो आपको ₹24 चार्जेस लगेगी। पर अगर यही ट्रांजैक्शन आप मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो आपकी कोई चार्जेस नहीं लगेगी, चाहे वो NEFT की हो चाहे वो RTGS की हो, आपकी कोई चार्जेस नहीं लगेगी। इसलिए आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्टरनेट चैनल्स की यूज करें, जैसे मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन। इसमें अगर आप पैसे भेजते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगी, पर अगर आप ब्रांच के थ्रू भेज रहे हैं तो आपको चार्जेस लगेगी। RTGS में मिनिमम चार्जेस ₹25 है और NEFT में ₹2 है। देखिए, अब हम देखेंगे मंथली बैलेंस, मिनिमम बैलेंस सेविंग अकाउंट में। देखिए, अगर आपकी रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस में आपकी अकाउंट है तो आपको ₹500 हर वक्त मेंटेन करके रखना होगा क्वार्टर में। अगर आप मेंटेन नहीं करते तो आपको ₹100 प्लस GST यानी ₹118 चार्जेस लगेंगे, ठीक है। वही अगर आपकी अकाउंट मेट्रो या अर्बन ब्रांचेस में, तो आपको ₹1,000 हर समय मेंटेन करके रखना है सेविंग अकाउंट में। अगर आप ये मेंटेन नहीं करते तो आपको पर क्वार्टर ₹200 प्लस GST कटेंगे। ये चार्जेस आपको अप्रैल, जून, सितंबर और दिसंबर के महीने में कटेंगे। तो ये थे मिनिमम बैलेंस चार्जेस सेविंग अकाउंट के बारे में, जो 1 अप्रैल 2024 से चेंजेस जा रही है। अब हम देखेंगे कुछ मिसलेनियस चार्जेस। अगर आप BC पॉइंट CSP पॉइंट में ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं और आपके जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, नॉर्मल अकाउंट है, तो आपको कुछ चार्जेस वहाँ पर देनी पड़ेगी। अगर आप EKYC वेरीफिकेशन कराते हैं तो फर्स्ट टाइम अगर आप करवा रहे हैं एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग तो फ्री है, पर उसके बाद आप जितनी मरतबा करवाएंगे आपको ₹10 प्लस GST पर EKYC लगेगा। अगर आप वहाँ कैश विड्रॉल कर रहे हैं CSP पॉइंट पे और तो आपको ₹25 पर GST आपको चार्जेस लगेगी आपके नॉर्मल अकाउंट में है। तो अगर आप दूसरे बैंक के CSP में भी कर रहे हैं कैश विड्रॉल तो आपको ₹25 देने पड़ेंगे। जनधन अकाउंट में, जीरो बैलेंस अकाउंट में ये चार्जेस नहीं है। अगर आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में आधार के थ्रू तो उसमें भी आपको ₹25 चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आप वहाँ पर CSP बैंक में मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हैं तो आपको ₹5 पर स्टेटमेंट लगेंगे। पर अगर आप बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। आप फिक्स डिपॉजिट किए हैं उसका अगर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो आपको ₹150 प्लस GST लगेगा।